अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जाएंगे अकाउंटिंग क्या है। 11th कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको बेसिक कवर होता है अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग के लिमिटेशन और अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन तो हम सबने पढ़ी है लेकिन आज हम उसे कुछ शॉर्ट में पढ़ते हैं छोटे छोटे ट्रिक से। देखिए हम बात करते हैं अकाउंटिंग है क्या, या डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग क्या है या कैसे होगा। तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है किस चीज की, किसी भी ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना, उसे समराइज करना, उसे रिकॉर्ड करना, किस तरीके से इन अ प्रॉपर मैनर इन सारी ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर मैनर में उतारना, और वो भी ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टर की। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन क्या होगी, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर मैनर विच बिलोंग टू द फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो यहां तक इसे क्लियर करते हैं, एक चीज और समझिएगा, अब कैसे उतरेगा, क्या होता है। सपोज कीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि हम बात करते हैं मोहन ने 1000 रुपए खर्च करे, मोहन स्पेंड 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियली बिलोंग करती है। फाइनेंशियल बिलोंग कैसे करती है कि ये जो वैल्यू है 1000 रुपीज की, ये क्या कहलाती है, फाइनेंशियल वैल्यूज कहलाती है। मतलब एक ऐसी अमाउंट जो उसको हम मनी में प्रॉपरली मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली मनी उसमें ऐड है। सपोज यहां पे एग्जांपल आता कि आई ईट फूड, तो क्या ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं, मैंने खाना खाया कोई सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है? फाइनेंस का कोई भी कैरेक्टर इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यही अकाउंटिंग कहती है कि भैया अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है डाटाओं को उतारना प्रॉपर मैनर में, पर कौन सी वाली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यहां तक क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होती है, हमने यहां पर कॉलम बनाया, हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने की, किसी चीज को समराइज करने की और किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की। किस वे में करनी है, वो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, कौन सी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अब बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हम बताएंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक, देखिए इसी डेफिनेशन में से जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बनी थी उसी में से आपका कैरेक्टरिस्टिक कवर होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सी, मोहन स्पेंड 2000 रुपीज। ठीक है, और सेकंड था आई ईट फूड। ठीक है, इसमें से आपको ट्रांजेक्शन का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन कौन सी है, फर्स्ट वाली। अब ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका, अकाउंटिंग का, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई होगी देन सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन क्या है, रिकॉर्डिंग। अब उस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड किसमें करेंगे, रिकॉर्ड होंगी इन बुक्स। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक होती है, उस बुक से काम होता है, उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो ट्रांजेक्शन क्या होंगी, अब रिकॉर्ड होंगी किसमें, इन बुक में। अब देखिए आगे समझिए, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, जब डाटा का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, उससे पहले क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब क्लासिफिकेशन बोले तो कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांजेक्शन तो है, क्लियर हो रहा है, लेकिन किस बुक में जाएगी, परचेज बुक में जाएगी, सेल्स बुक में जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देते हुए आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखना है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, और फिफ्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा कम्युनिकेटिंग। तो अब आपको अकाउंटिंग के पढ़ने हैं क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से देखिए आपका क्लियर हो रहा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डाटा या किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, दूसरा उसे रिकॉर्ड करना, थर्ड ट्रांजेक्शन उसे क्लासिफाई करना, फोर्थ ट्रांजेक्शन उसे एनालाइज और इंटरप्रिटेट करना, और फिफ्थ ट्रांजेक्शन उसका
फिफ्थ क्या होगा उस ट्रांजेक्शन को, कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना, या जो भी आपके एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं अकाउंट के उसको बताना, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे। तो यहां तक सारा क्लियर करते हैं और ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए आज हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एक हमारी डेफिनेशन, एक आज हमने क्या पढ़ा आज डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ी अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक, और थर्ड हम आज पढ़ेंगे लिमिटेशन। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो यही तीन टॉपिक्स हैं, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आता है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बाकी अब देखिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग है इज नॉट अ फुल्ली एग्जैक्ट, दैट मीन्स कि अकाउंटिंग किसी भी चीज को एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं बता सकता। सपोज वी आर, सपोज हम कोई चीज करते हैं तो हम उसमें एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कि क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिट देगी, क्या ये फ्यूचर में लॉस देगी। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, पहली लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी रियलिस्टिक नहीं होती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दिखा लेती है कि लाइक मेरे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, लेकिन अंदर जाके पता चलता है कि उस कंपनी के पास इतनी वैल्यू ही नहीं है। दे सब ऑन डॉक्यूमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, बट असल में वो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है, क्वालिटी समझ में आता है, थोड़ा सा समझिएगा। क्वालिटी से क्वालिटेटिव होता क्या है, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं चीजें बनाता हूं, मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूं, तो अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली अकाउंटिंग के हिसाब से मैं क्या समझूंगा कि कम खर्चे में ज्यादा आइटम उगाए जाए, क्या करे जाए, कम खर्चे में ज्यादा आइटम उगाए जाए या ज्यादा आइटम प्रोड्यूस किए जाए। तो अकाउंटिंग क्या बोलते हैं कि क्वालिटी से मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट चाहिए। अकाउंटिंग क्या कहती है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो दैट मीन अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर करती है, क्या करती है, इग्नोर करती है किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या होता है, सपोज करो आप कोई मशीन लेकर आए 1,00,000 रुपए की, अब आप 1,00,000 रुपए की मशीन तो ले आए, आफ्टर सम टाइम वो मशीन हो जाएगी 50,000 की। तो अकाउंटिंग बोलता है ना भैया 50,000 से हमें मतलब नहीं है, या कोई चीज आप सस्ते जितने की आप प्राइस देकर आए हो आप उतने से ही उसे शो करोगे। कई बार 1,00,000 की मशीन आते हो अगले दिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप एंट्री कितने से करोगे, 1,00,000 से ही करोगे। या आप कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, 10 रुपए का बनता है, मार्केट में 15 का बिक रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन अकाउंटिंग जो करता है वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। क्लियर कीजिएगा, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, कि अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका कोई भी क्या प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, वो बेस्ड होता है एट प्रेजेंट कॉस्ट, जो आपकी उस टाइम चल रही है, जो आपने जिस आइटम को जिस टाइम पे खरीदा है। सपोज एग्जाम्पल, इसको एक और चीज क्लियर करते हैं, इसको इस बार एग्जाम्पल से समझिए कि मैंने एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, मैंने मशीन कितने की खरीदी, 1,00,000 रुपए की। अब 2 महीने बाद मशीन की कीमत 1,50,000 रुपए हो गई, तो मैं 1,50,000 रुपए से एंट्री नहीं करूंगा, मैं किससे एंट्री करूंगा, इस 1,00,000 से। तो यहाँ पे अकाउंटिंग क्या कर रहा है, इस 1,50,000 को इग्नोर कर देगा। तो दैट मीन अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज। चलिए आगे की बात करते हैं, अकाउंटिंग विल लीड द विंडो ड्रेसिंग। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कीजिए, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे आप समझते हैं खिड़की सजाना, विंडो ड्रेसिंग का ऐसे कुछ समझ में आ रहा है खिड़की सजाना। तो देखिए खिड़की सजाने का क्या मतलब है, दिखावा वर्ड आप इसे कह सकते हो, कि अकाउंटिंग जो है वो दिखावे पे कभी कभी बिलीव करती है कि दिखाया जाए। इन बुक ऑन रिकॉर्ड हम दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, नहीं हमारे पास लायबिलिटीज कम है, एसेट ज्यादा है, हमारे पास मशीनरी अच्छी, जैसे कहावत सुनी है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब, कि दुकान बहुत बड़ी दिखा दी और आइटम कुछ नहीं है, वही आप विंडो ड्रेसिंग में लिखेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो क्या काम करती है। कई बार अकाउंटिंग में हम दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे आइटम्स हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, पर असल में उतना होता नहीं है। तो इसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में लीड द विंडो ड्रेसिंग। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, आई होप यू विल एंजॉय इट। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।